एंड करेंटली नायका पे क्रिसमस सेल चल रही है. इफ यू हैव अ ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन यू कैन यूज दिस मॉइस्चराइजर. हे एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मेघा एंड फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू अ मॉइस्चराइजर व्हिच इज निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर विथ विटामिन ई. So this is Nivea Soft Light Moisturizer which comes in 5 different sizes which are 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml and 500 ml. So you can choose your quantity as your requirement. So this was all for intro. Without any further ado, let's get started. So this is Nivea Light Soft Moisturizer क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड फॉर्मूला है एंड अगर आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करके मेकअप करते हो तो ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं फील करेगा आपकी स्किन पे और ये आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड लाइट फील होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस. ये जो क्वान्टिटी है ये 300 ml वाली क्वान्टिटी है एंड इसका MRP है 400 rupees एंड मैंने इसको परचेज किया था 300 something में फ्रॉम नायका. सो मैंने इसको जब नायका से परचेज़ किया था तब नायका पे सेल चल रही थी तो मैंने आपको इसको अपने नायका हॉल वाले वीडियो में भी दिखाया था. अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आप इसको नायका, पर्पल या अमेज़ॉन किसी से भी परचेज़ कर सकते हो. जो भी बाइंग लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हो. एंड करेंटली नायका पे क्रिसमस सेल चल रही है फ्रॉम 13 to 24 December. Now let's talk about its packaging. अगर हम इसकी packaging की बात करें तो ये white color का tub आपको मिल जाता है जिसको open करके आप moisturizer को use कर सकते हो. And ये जो moisturizer है ये भी white color में है. So चलिए अब मैं इस moisturizer को अपने face पे apply करके आपको दिखा देती हूँ so that आपको इसका texture and application का idea लग जाए. Now let's talk about its ingredient list. अगर हम इसकी ingredient list की बात करें तो सारे ingredient list आपको ये back of the product मिल जाएंगे. ये जो मेरे पास में moisturizer है ये 300 ml वाली quantity में है तो इसका tub काफ़ी बड़ा है but अगर आप traveling के लिए इसको use करना चाहते हो तो आप 50 ml वाली या फिर 100 ml वाली quantity को purchase कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा travel friendly हो जाएगा. अगर हम इसके शेल्फ लाइफ की बात करें तो इस पर मैनुफैक्चरिंग डेट है 719 एंड यूज बिफोर है 1221. इट मीन्स आपको इस पर 3 years की शेल्फ लाइफ मिल जाती है. सो अगर आप 300 ml वाली क्वांटिटी भी परचेज करते हो तो वो भी आपकी ईजिली यूज़ हो जाएगी. सो नाउ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से कि ये वाला मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है, काफ़ी लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा. इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन यू कैन यूज़ दिस मॉइस्चराइजर बिकॉज ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाता है और बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड अगर आप इस मॉइस्चराइजर को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में यूज़ करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होगा. So this was all for today's video. I hope you enjoyed this video. If so, don't forget to let me know in the comment section below. And don't forget to hit the like, share and subscribe button. And see you soon in my next video. Till then, bye.